नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में से चार में बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल की है। बता दें, इन चुनावों में राजनीतिक दलों ने देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए अपने अपने घोषणा पत्रों में कई वायदे किए। बात अगर विधानसभा चुनाव में जीतने वाली महिलाओं की संख्या की करें तो उत्तर प्रदेश में 47 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस बार यूपी चुनाव में अपना दमखम रखा। वहीं पंजाब की बात करें तो 13 महिलाओं ने जीत हासिल की है। वहीं इन चुनावों में 5 ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने पहली बार लड़ा और बंपर वोटों से जीता। आज हम उन 5 महिलाओं की बात करेंगे जो पहली बार चुनावी महासफर में अपनी किस्मत की आजमाइश कर रही थी और उन्होंने ना केवल जीत हासिल की बल्कि जिन प्रत्याशियों को हराया वो भी सुर्खियों में रही। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां संस्कृति का उत्थान होता है। वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की उपलब्धियां दर्ज ना हो। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी बखूबी कर रही हैं। राजनीति में महिलाओं की आज भागीदारी अहम है। आज महिलाएं राजनीति में हिस्सा भी ले रही हैं, जीत का परचम भी लहरा रही हैं। वह इस बार के चुनावों की बात करें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पहली बार अपनी सीट से चुनाव लड़ा और कई दिग्गज नेताओं को पछाड़ के रख दिया। आइए आपको मिलाते हैं ऐसी 5 महिलाओं से। सपा पार्टी से कौशाम्बी की सिराठू सीट पर चुनाव लड़ने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल का ये पहला चुनाव था। उन्होंने बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 मतों से हराया। हालांकि मतों का अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन सपा पार्टी के नेता अखिलेश यादव का पल्लवी पटेल को लड़ाने का फैसला काम आया और वहां साइकिल ने सबको पीछे से पछाड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी की उम्मीदवारी से लेकर प्रचार 14 दिन तक रहा और वे लोगों से मुख्य मुद्दों पर बातचीत करती दिखाई देती थी, जबकि डिप्टी सीएम जनसभा में बड़े वायदे करके चले जाते। स्थानीय लोगों की खेतीबाड़ी बचाना, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे किसी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने नहीं उठाया, जबकि हवाई बनाने और वहाँ प्लेन उतारे जाने, ब्रिज बना दिए जाने जैसे बयान दिए गए जिसने आम लोगों का सरोकार नहीं दिखा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर पल्लवी पटेल बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक हैं। बता दें, पल्लवी पटेल के पिता सोनेलाल पटेल थे जो अपना दल पार्टी के संस्थापक थी। उनके निधन के बाद पत्नी कृष्णा पटेल अपने दल की मुखिया बनी। इसके बाद पल्लवी पटेल को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन परिवार में इसका विरोध हुआ और पार्टी 2 खड़ों में बट कर रह गई। अब पल्लवी पटेल अपना दल के उपाध्यक्ष हैं और उनकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल अपने दल से नेता हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं। आगरा ग्रामीण में चुनाव लड़ने वाली बेबी रानी मौर्य के चुनावी मैदान में कदम रखते ही बीजेपी ने उनके नाम के पीछे जाटव लगाने की रणनीति अपनाई। आगरा ग्रामीण एक सुरक्षित सीट है और पार्टी का इसके पीछे मकसद साफ था कि लोगों में ये संदेश जाए कि वे दलित हैं, ताकि इलाके के दलित वोटों को साधा जा सके। उन्होंने बसपा के किरण प्रभा किशोरी को 76,608 मतों से शिकस्त दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी क्षेत्र से बीजेपी की विधायक रह चुकी हेमलता दिवाकर कुशवाहा से लोग खासे नाराज भी थे। ऐसे में बेबी रानी मौर्य की जीत को अप्रत्याशित कहा जा सकता है। कहा जाता है कि वे जहां जहां जाती हैं वहां लगे बैनर में उनके नाम के पीछे जाटव लिखा होता है और पार्टी ने उन्हें अपने दलित चेहरे की तरह पेश किया। वहीं चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही वे काफी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वे मेयर भी रह चुकी हैं, बीजेपी में कई पदों पर ही उत्तराखंड के राज्यपाल बनी और फिर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। अमेठी विधानसभा सीट चुनाव जीतने वाली महाराजी प्रजापति की पहचान उनके पति से कहना हो तो गलत नहीं होगा। उनके पति गायत्री प्रजापत सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के नजदीकी माने जाते हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी कई बार लग चुके हैं। वही महाराजी प्रजापति गृहिणी हैं और उन्होंने पहली बार सपा से चुनाव लड़ा और बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह को करीब 18,000
96 वोटों से हरा दिया। बता दें जनसभाओं में वे अपने दो बेटियों के साथ नजर आती रही है। वे कम बोलती हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान महिलाओं को प्रेरित करने की बात भी कही थी। इधर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े डॉक्टर संजय सिंह की छवि भी इलाके में बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि संगठन से उन्हें सहयोग नहीं मिला जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीवन जोत ने अमृतसर पूर्व सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और बंपर वोटों से जीता। बता दें करीब 20 साल से ज्यादा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही जीवन जोत की जीत इस मायने में खास बताई जा सकती है कि उनके सामने दो दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजिठिया सामने थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे कभी राजनीति में आने के बारे में सोचा भी नहीं था। साथ ही वे मानती हैं कि परिवार के सहयोग के बिना एक महिला का आगे जाना संभव नहीं है। अपने सामाजिक कार्यों के बारे में वे बताती हैं। वे कहती हैं कि अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने एकोशी नाम का एक प्रोजेक्ट भी चलाया जिसके तहत वे रियूजेबल सैनिटरी पैड को बढ़ावा देती है। वही उन्हें पंजाब की पैड वुमेन के रूप में जाना जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए पोलिंग एजेंट का काम करने वाली नरेंद्र कौर भाराज ने कभी सोचा नहीं था कि वे चुनाव लड़ेंगी। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाली नरेंद्र कौर पेशे से किसान हैं और उनकी चल अचल संपत्ति महज 24,000 थी। ये जानकारी उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को दी थी। कानून की पढ़ाई कर रही नरेंद्र कौर ने साल 2014 में आम आदमी के साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर अपना सफर शुरू किया था और वो तब से लेकर पार्टी के लिए लोगों के बीच काम करती रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि पार्टी में मुझे अपना उम्मीदवार कैसे चुना। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं पार्टी के लिए काम कर रही थी। बता दें संगरूर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र कौर भराज ने विजय इंद्र सिंगला को हराया जो कांग्रेस पार्टी से अभी तक विधायक थे और पार्टी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वही पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की है। तो जहां ये 5 महिलाएं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी तो ना केवल जीती बल्कि कुछ तो दिग्गज को हरा बैठी। वही पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने भी जीत का श्रेय सबसे पहले महिलाओं को दिया। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। राह आसान नहीं थी क्योंकि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति रंग लाई और मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी की राजनीति में असंभव को संभव कर दिया। यूपी में प्रचंड फतह के बाद अपने पहले संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि इस जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आधी आबादी ने आगे आकर बीजेपी के लिए वोट किया। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जहां जहां बहनें माताएं और बेटियों ने पुरुषों के मुकाबले योगी को ज्यादा वोट दिए वहां बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की इस जीत में महिलाएं सारथी हैं। बीजेपी को भी भरोसा था क्योंकि आज के दौर में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिल रहा है और महिलाएं योजनाओं का लाभ उठाने में आगे रहती हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लाभार्थी 80-90% महिलाएं हैं। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी का राशन प्रशासन और महिलाओं पर दबाव सटीक बैठा क्योंकि राशन और प्रशासन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट महिलाओं पर ही डाला जाता है। अब चुनाव परिणामों को देखा जाए तो महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के साथ ज्यादा जाना पसंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उधर लखनऊ में गर्मी बढ़ते ही आग लगने का सिलसिला जारी हो गया है। बता दें कि दुबग्गा बाईपास मोड़ पर दुकानों में भीषण आग लग गई जहां कई दुकानें और झुग्गी झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस और दमकल की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वही आज के वक्त में अगर मैं कहूं कि महिलाएं हैं तो मुमकिन है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। घर संभालने से लेकर राजनीति में पद संभालने तक महिलाओं ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।